नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड सेशन में, में आए हुए के का करेंगे. तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एंटनिम सेक्शन का इफिशियंट का एंटेनिम्स लेना है आपको इफिसियंट का मतलब होता है स्किल्ड जो निपुण हो अपने कार्यों में दक्ष हो स्किल्ड तो एक्सपर्ट इसके होंगे, बट हमें चाहिए एंटनिम्स, तो ये ऑप्शन तो गया कॉमन होगा ही नहीं अब आप देख रहे हैं किस में एक बचा, idle और clever. Clever, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं और एलिमिनेशन प्रोसेस भी बेटर ही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एडियम्स का क्लोज टू वन्स हार्ट क्लोज टू वन्स हार्ट का मतलब है वैसा व्यक्ति जो आपके बहुत ही नजदीक हो तो अब देख लो डियर एंड इंपॉर्टेंट टू वन सेल्फ योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर ये दोनों ऑप्शन तो गया काम से आपके पास बच्चा वन इज वेरी इमोशनल तो ये नहीं होगा क्लोज टू वन हार्ट की एग्जैक्ट मीनिंग यही होती है जो बहुत ही नियर डियर हो जिसको आप बहुत ही क्लोज मानते हैं उसे स्नेह भी देते हैं योर आंसर विल बी ऑप्शन फोर नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स जहां पे चिड़ियों को रखा जाता है तो बर्ड्स के लिए एकमात्र वर्ड यहां पे आपका है एवियरी वेयर बर्ड्स आर कैप्ट

तो आंसर होगा आपका एवियरी नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डेलीकेट का सिनोनिम सही ब्रिस का मतलब होता है इनर्जेटिक इनर्जेटिक या आप यह भी कह सकते हैं लाइवली रॉबर्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए सिनानिम्स किसका डेलिकेट डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही नाजुक कोमल इजली ब्रेकेबल और हार्टी पर्सन तो जेंटल पर्सन होता है तो आपका आंसर होगा फ्रेल मतलब वीक कैन बी इजिली ब्रोकन ओके तो इस तरह से आप आंसर लेंगे फ्रेल द नेक्स्ट वन ग्रामेटिकल एरर सेक्शन का है द फार्मर इज कटिंग द क्रॉन सॉरी कॉर्न विच हैज राइपिन इन द फील्ड सिंपल सा बात है हैज लगा हुआ है तो हैज के बाद आपको वी थ्री वर्ड चाहिए था आर आई पीई एन ई डी दैट इज द राय अब देख लो किस पार्ट में एरर है ऑप्शन टू होगा राइपेन आप यहां पर इडी कर दो तभी आंसर करेक्ट हो पाएगा तो ये ग्रामेटिकल एरर था और आप ये जानते हैं कि हैव हैज हैड अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है यानी आप इसे कह सकते हैं राइपेन राइपेंड एंड राइपेन वी वन वे टू वी थर्ड ओके वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए राइपेन लेना पड़ेगा नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सिमेट्री सिमेट्री एक शब्द सी से होता है सिमेट्री मतलब होता है ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान जिसको कहते हैं आप क्लियर है तो वो तो है नहीं ये सिमेट्री हुआ हैविंग टू इक्वल पार्ट्स या टू हैविंग टू इक्वल साइड्स। ओके तो ये हो गया सिमेट्री सल्ट्री का मतलब होता है हॉट एंड ह्यूमिड बहुत ही गर्म स्क्रॉचिंग हीट उसे हम कहते हैं शल्ट्री एंड जेंट्री मतलब तो जेंटलमैन कह सकते हैं आप इसे जेंटलमैन ये ऑलवेज प्लूरल होता है ये भी ध्यान रखेंगे और एक शब्द आपके पास बचा पोल्ट्री एक्चुअली पोल्ट्री कोई शब्द नहीं है पोल्ट्री शब्द होता है आप कह सकते हैं कि रेयरिंग uh, अप या फिर जहां पे बर्ड्स को रेजिंग किया जाए पाला जाए उसके एग्स एंड मीट के लिए तो पोल्ट्री फार्मिंग स्पेलिंग उसी की गल, ग, ग, गलती थी पोल्ट्री ओके आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एडियम्स एंड फ्रेजेस गो बॉन्कर गो बॉन्स का मतलब होता है बहुत ही एक्साइटेड होना ईगर होना एंथजियाटिक होना सपोज कि जो ही आप कह सकते हैं कि द फैंस वेंट बॉन्कर वेन द टीम ऑन द मैच या ये भी कह सकते हैं कि जो ही उसने सुना हमारे टीम ने या हमारे लीडर ने इलेक्शन जीत लिया मैच जीत लिया तो जो फैंस हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए तो आप कह सकते हैं गो बैंकर्स का एग्जैक्ट बॉन्स का एग्जैक्ट मीनिंग जो होगा वो होगा बिकम क्रेजी ओके तो आसानी दिया था नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म ग्रामेटिकल एरर आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर द पाइप तो आपने पेड किया प्लम्बर प्लम्बर को किसके लिए पाइप के रिपेयर के लिए तो सिंपल सा बात है आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर नहीं होगा यहां पे करना पड़ेगा रिपेयरिंग ओके okay? रिपेयरिंग आपने पेड किया रिपेयरिंग के लिए तो रिपेयर नहीं फॉर रिपेयर तो ऑप्शन गया फॉर रिपेयरिंग होना चाहिए तो ऑब्वियसली जो आंसर लोगे वो हो जाएगा मतलब इस पार्ट में एरर है इसका पार्ट वन में फॉर रिपेयर नहीं होगा फॉर रिपेयरिंग होगा नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फिल इन द ब्लैंक्स द टास्क हैज बीन डैश टू द जूनियर्स सिंपल सा देखो टास्क को क्या किया गया टास्क अटैच्ड नहीं होता अटैच्ड ईमेल वगैरह करते हैं कोई डॉक्यूमेंट करते हैं ओके okay? तो ये हो गया आपका अटैच करना हायर्ड तो इंप्लॉय को करते हैं जैसे किसी इंप्लॉय को हाइड किया गया ओके इलेक्टेड इलेक्टेड सेलेक्टेड यहां पे इलेक्शन की कोई बात नहीं है चयन की कोई बात नहीं है टास्क क्या किया गया होगा असाइन किया होगा किसी ये दिया गया जूनियर्स को टास्क दिया गया दैट इज द असाइंड नाउ द नेक्स्ट टर्म द स्ट्रॉ विंड ब्लो ऑफ ऑल द कैंडल्स ये पता लग रहा है कैंडल्स को उड़ा कर नहीं ले गया होगा कैंडल्स को बुझा दिया तो एक्चुअली यहां पे एक शब्द है ब्लो ऑफ इसका मीनिंग अगर देखोगे तो इसका मीनिंग होगा टू इग्नोर ओके टू इग्नोर तो वो तो होगा नहीं आंसर चूंकि और ब्लो ऑफ की और मीनिंग होती है बहाकर उड़ा कर ले जाना तो ब्लो ऑफ इसका मतलब होता है एक्सप्लोड करना बम विस्फोट करना तो ये तो होगा नहीं ब्लोइंग अवे ये भी सेंस नहीं है एक है ब्लू आउट ब्लो आउट का ही पास्ट वर्जन है ब्लू आउट जिसका मतलब है ई एक्स टी आई एन जी यू आई एस एच ईडी एक्सटिंग मतलब बुझाना तो आंसर लेना पड़ेगा ऑप्शन नंबर टू ब्लो आउट सॉरी ब्लू आउट नाउ द नेक्स्ट टर्म देर आर वेरी लिटिल पीपल्स वेरी लिटिल पीपल्स अंडरलाइन पार्ट देखते ही समझ में आ रहा है कि पीपल्स तो पहले नहीं करेंगे दूसरा बात पीपल को काउंट कर सकते हैं तो हम लिटिल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे हाँ पीपल्स का मतलब होता है पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशन तो यहां पे उसकी तो बात है नहीं देर आर वेरी लिटिल पीपल्स इन द वर्ल्ड हु आर बोल्ड एनफ टू डिफाई डिफाई मतलब डिसोबे करना टू डिफाई सोशल कस्टम्स या फिर उसको पालन न करना तो वेरी फ्यू देखो एक तो पीपल के साथ मच का प्रयोग हम नहीं कर सकते एंड यहां भी मच लगा दिया ये दोनों ऑप्शन गया और आपके पास तो ये पता है कि वेरी पीपल होना चाहिए तो एक ऑप्शन है पीपल लेकिन लिटिल को चेंज करना पड़ेगा किस में फ्यू में चूंकि आपको पता है लिटिल लिटिल टर्म का जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल से में होता है क्लियर है अनकाउंटेबल टर्म में होता है और अगर फ्यू की अगर बात करें तो फ्यू का यूज जो होता है वो काउंटेबल सेंस में होता है ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द ब्लैंक आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड कंटिन्यूसली रेगुलरली फाइनली तो यह फाइनली वर्ड तो गया इन अन इवेनली भी नहीं होगा अन इनली मतलब होता है नॉट इन इन वे आज नहीं कल ऐसा नहीं तो अन इनली तो है ही नहीं कंटिन्यूसली किसी एक्शन के लिए आता है ठीक है यहां पर मिलने विजिट करने का भी टर्म है लेकिन आप अपनों से मिलते हैं सो so, कंटिन्यूसली यहां पर अप्रोप्रिएट नहीं है योर आंसर विल भी रेगुलरली आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स रेगुलरली गया हालचाल पूछा ये रेगुलर एक्शन हो सकता है या फिर आप अगर एक दो दिन बाद भी जाते हो तो आप यही कहोगे ना कि आई गो देर रेगुलरली सिंपल सा तो रेगुलरली शब्द ज्यादा अप्रोप्रिएट है कंटिन्यूसली बनिस्पत नाउ द नेक्स्ट वन अ पर्सन हु टू बी सम्स टू डिसीव अदर्स तो एक्टर तो होगा नहीं मैंटोर होगा नहीं गैंगस्टर तो होता है लुटेरा बदमाश तो ये ऑप्शन भी गया आंसर विल बी इंपोस्टर मतलब बहरूपिया कह सकते हैं अलग अलग रूप धारण करता हो गलती कर गया फिर भी वो कह रहा है मैं नहीं हूं जब पकड़ा गया तो फिर एक अलग आडंबरी रच रहा है तो दैट इज वैसे पर्सन को हम इंपोस्टर कहते हैं बहरूपिया नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन द चिल्ड्रेन जम्प एट जॉय दे शॉ द स्लाइड्स इन द पार्क जो ही बच्चे ने पार्क में स्लाइड्स देखा बहुत ही खुश हो गया तो सिंपल सा है जंप एट एक टर्म है जंप जंप एट होता है किसी ऑफर पे आप विदाउट थिंकिंग आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑफर को एक्सेप्ट करना तो ये ऑफर तो है नहीं उसने स्लाइड्स uh, देखा और वो खुश हो गया सो जंप एट यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है होना चाहिए था जंप विद या फिर जंप फॉर ओके जंप विद जॉय बोलते तो है एक्सक्लेम्ड with विद जब आप narration बनाते हो तो uh, when they show, add joy नहीं होगा आप कह सकते हैं तो jump एट नहीं होगा आपको इस किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर होगा तो सिंपली एट हटाकर हमें क्या लेना था फॉर या विद सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू ओके जंप तक तो ठीक है इस एट को चेंज करना था नाउ द नेक्स्ट वन क्स्टर में इसी अंडरलाइन पार्ट को आप उसके लिए बेटर ऑप्शन आपको चयन करना है ही गॉट अवे फ्रॉम पनिशमेंट एज देयर वॉज नो एनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस एविडेंस नहीं नहीं था नहीं था तो उसे पनिशमेंट से बचा लिया गया वो बच गया ही गॉट अवे फ्रॉम देखो गॉट है पास टेंस एंड यहां पे लगा रखा है वॉज वॉज भी पास टेंस है तो आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री में देखो गेट्स रखा गया जो आ, ऐसे ही ऑप्शन आंसर के दायरे से हट जाएगा एक बचा गॉट आउट विद ये किसी एंगल से सेंस नहीं लग रहा है गॉट आउट विद नहीं गॉट आउट ये हो सकता है गेट आउट बाहर जाओ तो उसी का पास्ट फॉर्म है गॉट आउट लेकिन किसी पनिशमेंट से चंगुल से स्केप करना ओके escape करना तो आप यहां पे लेंगे गेट आउट सॉरी गेट अवे फ्रॉम ये एग्जैक्ट फ्रेज है और देखो वॉज गेटिंग अवे ये अवेटी में रख दिया हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और आप ये कंटिन्यूस रखा गया तो ये ऑप्शन ऐसा ही हटा तो आप सोच लो कि इसका आंसर हो जाएगा नो no सब्सिट्यूशन मतलब ऊपर वाला पार्ट सही है गेट अवे फ्रॉम का मतलब होता है टू से निकल जाना बच निकलना पनिशमेंट नहीं हुआ उसे नेक्स्ट है बैफिल बैफिल का मतलब होता है कंफ्यूज करना परप्लेक्स करना क्लियर है तो आंसर तो मिल गया परप्लेक्सनिम्स चाहिए कंफर्ट एंड शुद एक दूसरे के सिनानिम्स हैं क्लियर है ट बड़ा ही कंफर्ट जोन में होना क्लैरिफाई तो होने से रहा योर आंसर नेक्स्ट टर्म फिलिंग कहा किसमें लगता है कंपेरेटिव डिग्री में अब आप सोचकर देखो आपके पास बचा इजी देव डिग्री का शब्द है वहां देन लगा यह ऑप्शन हटा अब आपके पास एक बचा इजीएस्ट

तो आसान ही सेगमेंट था ज्यादा कुछ है नहीं ग्रामेटिकल अप्रोच से बना सकते थे एंटानिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स स्टेबल स्टेबल का मतलब होता है फिक्स्ड जो चीजें स्थिर है नॉट फीकल इधर उधर नहीं वो स्टेबल है तो देखो स्टडी इस तो इसके सिनोनिम्स की ओर जाएगा स्टार्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या फिर अडीक भी बोल सकते हैं स्ट्रांग या फैटी फैट क्लियर है अब देखो सेफ सिक्योर की ओर जाएगा योर आंसर विल बी सैकी मतलब जो ये एंटन हो जाएगा जो टर्म फिक्स है उसका उल्टा क्या होगा सैकी तो ऑप्शन टू आंसर के करीब है नेक्स्ट वन है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड टूरिस्ट केमिस्ट साइक्लिस्ट एंड फ्लॉरिस्ट ये तीनों स्पेलिंग तो सही है यहां पे होगा आर आई ई एस टी ओके देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर ये ऑप्शन गलत था मतलब जो फ्लावर की बिजनेस करता हो या एक वैसा जगह जहां पे फ्लावर से ही ढका गया हो फ्लावर से ढका गया हो एकदम फ्लरिस्ट किया गया हो तो uh, आर आई ई एस टी होना चाहिए था नेक्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक Why is the reason? Actually reason है तो यहां why शब्द यहां पे ऑप्शन हटा होम इज द रीजन गलत वैन इज द रीजन रॉन्ग योर आंसर विल बी वॉट इज द रीजन जब मैटर पता करना हो तो हम वॉट का प्रयोग करते हैं रीजन पता करना हो वाई का प्रयोग करते लेकिन रीजन ऑलरेडी है तो वाई शब्द नहीं आएगा एंड होम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट को सर्च करता है एंड जो है टाइम डिनोटिंग टर्म है तो कहीं ना कहीं हमें जो वर्ड लेना था वो वॉट की वॉट को आंसर के रूप में लेंगे नाउ द नेक्स्ट टर्म कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है द जज इज अ शॉलम मैनर डेक्लेयर डैस देर वॉज एनफिडेंस टू डैस दैट मैक्स हैड इंडी डैस हिज नेवर्स कैट दिस वॉज अ डैस क्राइम एंड डिजर्व एंड डैस पनिशमेंट ये कह रहा है कि ये मैक्स एक व्यक्ति है जो रियली नेवर्स के कैट को चुरा लिया है या मार दिया है कुछ ऐसा बाद में पता चलेगा वर्ड को देखते हुए एंड जज इन अ अम मैनर बड़ा ही सीरियस मैनर में डिक्लेयर किया डैश देर वॉज एनफ एविडेंस हो सकता है इसी के बारे में आगे चर्चा है तो ये पता चल गया ये पैसेज का थीम क्या है कि किसी ने किसी के कैट को नेवर्स कैट को चुरा लिया गया कुछ भी कर लिया फिर उसको दंडित किया गया ये सीरियसली उस जज ने क्या किया डिक्लेयर किया तो आइए समझते हैं द जज इन अम मैनर डिक्लेयर दैट होनी चाहिए पता है डिक्लेयर के साथ जो टर्म आता है डिक्लेयर दैट नॉट डिक्लेयर वॉट डिक्लेयर शो डिक्लेयर विच ये तीनों ऑप्शन तो यहां से हटा नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डिक्लेयर दैट देर वॉज एनफ एविडेंस टू डैश दैट मैक्स क्या करना है जब एविडेंस है तो यह रिजल्ट एविडेंस रिजल्ट नहीं देता एविडेंस टेस्ट नहीं करता एविडेंस चेक नहीं करता एविडेंस क्या करता है प्रूव करता है तो कह सकते हैं कि देर वॉज एनफ एविडेंस टू प्रूव दैट प्रूव दैट डिक्लेयर दैट आप देख पा रहे हैं ये डिक्लेयर के साथ भी दैट आपने लिया एंड प्रूफ के साथ भी क्या लिया दैट तो ये कहीं कनेक्टिविटी समझ में आता है नंबर ऑफ टाइम्स जब आप पढ़ते हैं तो यह क्लियर हो जाता है देर वॉज एनअ एविडेंस टू डिक्लेयर दैट सॉरी टू प्रूव दैट मैक्स हैड एंडेड रियली मैक्स ने ऐसा किया एंडेड डैश हिज नेवर स्कैट अब आगे पढ़ते हैं तो मैक्स ने क्या किया आगे लिखा हुआ है मैक्स हैड हैड एंडेड आपके पास है और आपके पास चार ऑप्शन है स्टोल स्टोल स्टील एंड स्टीलिंग अब ये लग रहा है कि वर्ब के ही करीब सेंटेंस जाएगा तो have has had अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है ये तो clear पता है have has had है। है। आपको। अपने साथ वर्ब का लेता आपके पास एक है, stolen. Not stole, steal and stealing. Clear है। तो ये सब बहुत ही माइनर टर्म है जो ही आप इसे अरेंज करके पढ़ते हैं सारी बातें क्लियर हो जाती है नाउ द नेक्स्ट टर्म फोर्थ फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल करेंगे आप इनडेड uh, स्टोलन हिज नेवर्स कैट उसने क्या किया उस कैट को स्टोल uh, कर लिया चुरा लिया दिस वॉज डेसक दिस वॉज अ डेस क्राइम वॉट दिस वॉज अस्टर्न क्राइम दैट वॉज सीरियस क्राइम हिनियस हिनस जिसको कहते हैं क्लियर है तो किसी का कुछ चुरा लेना उन्होंने कहा कि सीरियस क्राइम है और अब देखो ना स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट वन हु डज नॉट अलाउड टू ब्रेक रूल्स एंड रेगुलेशन उसे हम स्टर्न कहते हैं स्टर्न स्ट्रिक्ट शॉबर होता है आप ये कह सकते हैं कि जो इंसान अल्कोहल वगैरह से दूर रहे एबस्टेंट फ्रॉम अल्कोहल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर या अल्कोहल आप ये कह सकते हैं ना वन वोड इज नॉट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल तो ये शॉबर हो गया वो क्राइम जो है बड़ा सीरियस है तो इसलिए हम उसे सीरियस वर्ड को लेके जाएंगे स्टडी मतलब तो फिक्स होता है स्टेबल होता है

जज ने ऐसा डिक्लेयर किया और ऐसा प्रूव भी किया उसके पास एन ऑफ एविडेंस था ओके तो आशा करते हैं कि ये पूरी टर्म आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लिए होंगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम इंजॉय योर सेल्फ कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट जॉब थैंक यू वेरी मच